हे गाइस, वेलकम बैक टू इंडियन रीजनल रेसिपीज़। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम देखने वाले हैं पोई चिंगरी रेसिपी। ये कोलकाता का एक ट्रेडिशनल रेसिपी है। बंगाल में अलग अलग जगह पे सब अपने अपने थोड़ा बहुत वेरिएशंस के साथ बनाते हैं। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स लगेंगे, सारा लिस्ट मैंने ऑलरेडी डिस्प्ले में स्टार्टिंग में दे दिया है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। ये बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में अराउंड 2 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल लिया है। मस्टर्ड ऑयल एक्चुअली ये बंगाल की रेसिपी है, तो मस्टर्ड ऑयल के साथ ये बहुत अच्छा एनहांस करता है टेस्ट को। अगर आपके पास मस्टर्ड ऑयल नहीं है, आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तेल थोड़ा गर्म हो जाए, उसमें मैंने पंचफोरन डाला है। पंचफोरन आई होप आप सबको पता रहेगा, जिसमें मेथी, मस्टर्ड सीड्स, ज़ीरा, सौंफ एंड अनियन सीड्स, कलौंजी कहते हैं। ये पांचों का मिश्रण जो होता है वो ज़्यादातर बंगाल में तड़का देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये पंचफोरन डालने के बाद तुरंत मैंने उसमें गार्लिक थोड़ा सा स्मैश करके डाला है। गार्लिक के साथ साथ ही मैंने यहाँ पे थोड़े से प्याज एंड दो हरी मिर्च कट करके डाला है, एंड उसे सौते करने देना चाहिए फॉर 2 टू 3 मिनट्स। जैसे अनियन का थोड़ा सा कलर बदलेगा, उसके साथ में आप अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो थोड़ा सा डाल दीजिएगा। ये रेसिपी बनाने के लिए जो मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो उसमें 3-4 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि आलू, प्रॉन्स एंड मलाबार स्पिनच, जिसे पोई साग भी बोलते हैं एंड माया आलू की भाजी भी बोलते हैं कई सारी जगह, एंड कद्दू भी इम्पॉर्टेंट है, बट कद्दू मेरे पास नहीं था तो मैं नहीं डाल रही हूँ। इसके अलावा आपके पास जो भी वेजिटेबल्स अवेलेबल है, जैसे कि अरबी है, बनाना है, रॉ बनाना, ऐसा कोई भी सब्जी आप डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं आलू और बैंगन एंड मलाबार स्पिनच, प्रॉन्स, इन 4 चीज़ों के साथ सब्ज़ी बना रही हूँ। जब अदरक लहसुन की पेस्ट एंड अनियंस थोड़ा सौते हो जाएंगे, जब उसमें से रॉ स्मेल चला जाएगा, तब आप जो सब्ज़ी पकने के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है वो सब्ज़ी आप डालना शुरू कीजिएगा। ऐसा कोई रूल नहीं है कि यही पहले डालना है, यही बाद में डालना है। इट्स जस्ट दैट कि जो टाइम लगने वाली सब्ज़ी है वो पहले डालिएगा, फिर जो जल्दी पकने वाली सब्ज़ी है वो बाद में डालिएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर आलू पहले डाल रही हूँ। आलू से पहले मैंने मलाबार स्पिनच के जो ब्रांचेस है, जो टेंडर वाली ब्रांचेस हम डालते हैं, वो वाले मैंने डाले। इन दोनों को 2-3 मिनट मैंने थोड़ा सा सौते किया है। जब आलू अराउंड 20% पक चुका होगा, तभी मैंने बैंगन भी डाल दिया, क्योंकि बैंगन पकने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर आप कद्दू डाल रहे होंगे तो कद्दू भी, बैंगन जब डालना उसी टाइम पे डाल दीजिएगा, क्योंकि कद्दू भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है पकने के लिए। इसे मिलाते रहिएगा ताकि बॉटम पे चिपके ना। जब ये सारे सब्जियां थोड़े सौते हो जाएंगे ऑयल में, तब उसमें हल्दी, नमक, लाल मिर्च पाउडर, ये सारा डाल के थोड़ा सा पेपर पाउडर भी डाल दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो स्पाइस आ रहा है, ज़्यादा लाल मिर्च नहीं डालेंगे हमको। हमें जो कलर चाहिए वो रेड नहीं चाहिए, थोड़ा सा ग्रीनिश कलर चाहिए, तो इसलिए हम लाल मिर्च ज़्यादा यूज़ नहीं करते। यहाँ पे ग्रीन चिली एंड पेपर पाउडर आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इन सबको अच्छे से मिला के पुई साग जो हमने काट के रखा था, उन पत्तों को भी इसमें डाल के थोड़ा पकने दीजिए 2 मिनट। जैसे ये पक जाएगा, उसमें प्रॉन्स भी डाल दीजिएगा। प्रॉन्स यहाँ मैंने ऑलरेडी हल्दी एंड नमक में मैरिनेट करके रखा है। अगर आप फ्रेश प्रॉन्स यूज़ कर रहे हैं तो आप जैसे क्लीन करेंगे वैसे ही आप डाल दीजिएगा, कुछ मैरिनेट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने एक दिन पहले लाया था, फ्रिज में से निकाला हुआ प्रॉन्स है, इसलिए मैंने ऑलरेडी मैरिनेट करके रखा था हल्दी एंड नमक में। उसे भी डालकर आप अच्छे से मिला लीजिएगा। पानी मत डालना, पानी की ज़रूरत नहीं है। इसे आप ढककर लो फ्लेम में पकाएंगे तो अपना जो पुई साग है उसमें से एंड प्रॉन्स में से पानी निकलेगा, वो अपने आप वो मॉइस्चर से पकेगा। इसे 5 से 10 मिनट
बीच में एक दो बार मिलाते हुए पकाइएगा लो फ्लेम में। बहुत जल्दी पक जाएगा बिकॉज़ ऑलरेडी हमारी वेजिटेबल्स हाफ कुक्ड है। इसमें मैं एंड में सब्ज़ी ऑलमोस्ट जब यू नो 80% पक चुका रहेगा तभी मैं 3-4 ग्रीन चिल्लीस जस्ट ऐसे ही तोड़ के डाल रही हूँ। एक्चुअली ये प्रेजेंटेशन के लिए बहुत अच्छा लगता है दिखने में। इट्स कम्प्लीटली ऑप्शनल, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर मिर्ची आपको कम ज़्यादा जो भी चाहिए वो ग्रीन चिल्ली से शुरुआत में आप एडजस्ट कर लीजिएगा जब अनियन के साथ उसे सौते करेंगे। ये जो वेजिटेबल है पुई साग, ये बहुत हेल्थ के लिए अच्छी सब्ज़ी है। अगर आप इसमें इस वेजिटेबल के साथ, ग्रीन लीफी वेजिटेबल के साथ बहुत सारे अलग अलग रेसिपीज बन सकते हैं। अगर आप और कुछ वेराइटी देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड डू लेट मी नो योर ओपिनियंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड द सेम वीडियो इज़ अवेलेबल इन 2 मोर लैंग्वेजेस, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, प्लीज़ चेक दैट आउट। थैंक यू सो मच।